पिछले लेक्चर में आपने देखा था पैरामीशियम का लोकोमोशन यानी फिजियोलॉजी चल रही थी पैरामीशियम की। तो इसमें आज हम पोषण के बारे में जानेंगे कि कैसे पैरामीशियम में पोषण होता है, कैसे ये भोजन खाता है, लेता है और कैसे इनका डाइजेशन होता है। तो आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं आपका न्यूट्रिशन इन पैरामीशियम। तो पैरामीशियम जो है क्या खाता है, सबसे पहले मीन्स इनमें पोषण में जब हम पोषण की बात करेंगे तो ये इनके फूड की बात करेंगे। तो पैरामीशियम क्या खाएगा, पैरामीशियम जो है वो जीवाणु, छोटे छोटे बैक्टीरिया, डाई एटम्स, पौधे या जंतुओं के टुकड़े छोटे छोटे हैं उनको खाता है। तो पैरामीशियम का सबसे पहले हम फूड के बारे में बात कर लें कि पैरामीशियम का फूड क्या होता है। तो फूड इनका क्या है, जीवाणु यानी बैक्टीरिया, तो बेसिलस कोलाई जो बैक्टीरिया होते हैं उनको ये खाता है। और लगभग ये 24 घंटे में 20 से 55 लाख बैक्टीरिया खा जाता है, जिससे बैक्टीरिया का अस्तित्व तो भी बना रहता है कि भाई अगर बहुत ज़्यादा बैक्टीरिया, आप जानते हैं आपकी बैक्टीरिया कितने विद इन सेकेंड में कितना रिप्रोड्यूस होते हैं, बहुत ज़्यादा रिप्रोडक्शन कर ले तो बहुत ज़्यादा बैक्टीरिया हो जाएंगे, तो उन्हें ये खा के उनका अस्तित्व तो बनाए रखता है। तो क्या ये इनके फूड क्या हो गए, आपके जीवाणु यानी बैक्टीरिया हो गए, छोटे छोटे प्रोटोजोआ हो गए, एक कोश की पौधे जैसे आपका शैवाल है, और क्या खाएंगे, डाई एटम्स, ईस्ट, पौधे या जंतुओं के छोटे छोटे टुकड़े आदि को ये खाते हैं। अब पैरामीशियम की एक और स्पीसीज होती है, पैरामीशियम बर्सेरिया। तो पैरामीशियम बर्सेरिया की जो स्पीसीज होती है, ये इनके इंडोप्लाज्म में एक सहजीवी शैवाल होते हैं, वो शैवाल क्या होता है, जूकोरेला। तो जूकोरेला इनके इंडोप्लाज्म में पाए जाते हैं, जिसकी वजह से पैरामीशियम ये हरे रंग का दिखाई देता है। तो जूकोरेला ये सहजीवी शैवाल पाई जाती है, जिससे इसका रंग कैसा होता है, हरा दिखाई देता है पैरामीशियम का। और इनमें जो इनका न्यूट्रिशन होगा शैवाल की वजह, चूँकि ये सहजीवी शैवाल हैं तो ये भोजन बनाते हैं और उनको पैरामीशियम जो है उस पर डिपेंड रहता है। तो इसमें जो पैरामीशियम बर्सेरिया है इनमें कैसा न्यूट्रिशन ये शो करेंगे, होलोफाइटिक टाइप का न्यूट्रिशन, इसमें मीन्स होलोफाइट प्रकार का न्यूट्रिशन ये दिखाते हैं पैरामीशियम बर्सेरिया। और पैरामीशियम कॉर्डेटम, आपके सिलेबस में पैरामीशियम कॉर्डेटम है, तो उसमें कैसा न्यूट्रिशन होता है, उसमें जो पोषण होता है वो होलोजोइक टाइप का, कैसा न्यूट्रिशन होता है, होलोजोइक, ठीक। तो होलोजोइक और होलोफाइट ये टाइप का न्यूट्रिशन, दोनों में डिफरेंस क्या है ये भी हम आपको बता दें, जान लीजिए। होलोफाइट, फाइटो मीन्स होता है प्लांट, प्लांट सदिश, तो इसमें कैसा हो गया, प्लांट सदिश। तो ये प्लांट सदिश कैसे हो, क्यों इसको बोलेंगे, क्योंकि ये शैवाल है जो कोरेला ये भोजन बनाती है और उनको ये खाते हैं, उस पर ये डिपेंड करते हैं, तो ये होलोफाइट हो गया। और ये कैसा, होलोजोइक, जोइक मीन्स होता है, जोइक मीन्स होता है जंतु सदिश या प्राणी सम, तो ये जंतु सदिश या प्राणी, जैसे जंतु अपना भोजन करते हैं या प्राणी करते हैं उनके तरह होता है। तो पैरामीशियम कॉर्डेटम में कैसा न्यूट्रिशन होता है, होलोजोइक टाइप का। अब जो पैरामीशियम बर्सेरिया है, कभी कभी ये शैवाल पे तो डिपेंड होते हैं, कभी कभी क्या होता है कि इनके भोजन की कमी जब हो जाती है तो ये अपने ही शैवाल को पचा लेते हैं, मीन्स उन पे उनको पाचन कर लेते हैं और कुछ समय तक वो जीवित रहते हैं। तो ये अपने ही भोजन की कमी होने पे ये क्या करते हैं, अपने ही शैवाल जूकोरेला का पाचन कर सकते हैं और अधिक समय तक वो जिंदा रह सकते हैं। अब हम इनके भोजन की तो बात कर लिया, फूड की मैंने बात कर लिया कि फूड क्या हो गया, आपके बैक्टीरिया हो गए, आपके छोटे छोटे प्रोटोजोअंस हो गए, कोशिकी शैवाल हो गए, पौधे या जंतुओं के टुकड़े हो गए, इनको ये खाता है। अब ये कैसे लेता है, मीन्स इनकी मैकेनिज्म क्या है, तो मैकेनिज्म में हम देख लें, पैरामीशियम के जो ओरल ग्रुप, यहाँ पे मैं फिगर से आपको बता दे रही हूँ, ये पैरामीशियम का जो ओरल ग्रुप है, इनके जो सीलिया होते हैं ये लंबे लंबे होते हैं, तो ये पैरामीशियम के ये ओरल ग्रुप के सीलिया जो हैं ये क्या करते हैं, स्पंदन करते हैं यानी बीट करते हैं, लगातार तेजी से गति करते हैं, जिससे ये वाटर करंट जो है एक भंवर जैसे बन जाता है ग्रुप में, और उस भंवर में जो फूड पार्टिकल्स है वो भी आके अंदर जाने लगते हैं।
तो ये फूड वाटर करंट जो बन गया इस ओरल ग्रुप के सीलिया जो है बहुत तेजी से स्पंदन करेंगे, जिससे ये वाटर करंट के साथ ही फूड पार्टिकल्स भी वेस्टिब्यूल में या ओरल ग्रुप के अंदर जाने लगते हैं। अब ये मास्ट ने बताया था, मास साइंटिस्ट थे, इन्होंने बताया इनके अनुसार जो पैरामीशियम है वो कैसा होता है, सेलेक्टिव फीडर या सीलियरी फीडिंग शो करते हैं या आपके फिल्टर फीडिंग इसमें दिखाया जाता है। तो पैरामीशियम जो है वो सेलेक्टिव फीडर है या सीलियरी फीडिंग या फिल्टर फीडिंग शो करते हैं। तो ये सीलियरी फीडिंग या फिल्टर फीडिंग ये क्या होता है, इसको भी हम बता दें, डिस्कस कर लें यहाँ पे। सिलेरी फीडिंग मीन्स वो, या फिल्टर फीडिंग मीन्स वो पार्टिकल्स जो हैं, छोटे छोटे पार्टिकल्स या कुछ पार्टिकल्स जो हैं सेलेक्टिव पार्टिकल ही अंदर जाएंगे, बाकी को क्या कर दिया जाएगा, रिजेक्ट कर दिया जाएगा। मीन्स वो छाट छाट के भोजन के कणों को लेंगे, बाकी को रिजेक्ट कर देंगे। तो मास्ट के अनुसार जो है इसमें ओरल ग्रुप में दो पाथ होते हैं, मीन्स दो रास्ते मार्ग होते हैं, रास्ते होते हैं। तो यहाँ से ये आप ओरल ग्रुप, ये आप ऐसे देख रहे हैं, ये ओरल ग्रुप है, यहाँ पे ये दो पाथ हैं। एक में ये छोटा फूड वेग पार्टिकल्स जा रहे हैं और ये क्या है, बड़े बड़े फूड पार्टिकल्स हैं। तो जो छोटे वाले फूड पार्टिकल्स जो जिस रास्ते से जा रहे हैं, मीन्स सेलेक्ट कर लिए जा रहे हैं, खींच लिए जा रहे हैं अंदर, ये क्या हो गया, सेलेक्शन पाथ बोला जाएगा। और जो बड़े बड़े पार्टिकल्स हैं वो दूसरे रास्ते से आपको बाहर भेज दिए, वापस भेज दिए जाने, यानी रिजेक्ट कर दिए जा रहे हैं। तो ये क्या हो गया आपका रिजेक्ट, ये फूड पार्टिकल, जो रिजेक्टेड फूड पार्टिकल्स हैं, ये इसका जो रास्ता हो गया वो क्या हो गया, रिजेक्शन पाथ। मीन्स मास ने बताया कि इनमें जो दो पाथ होते हैं, एक तो है सेलेक्शन पाथ जिससे फूड पार्टिकल, छोटे फूड पार्टिकल्स ले लिए जाते हैं, और रिजेक्शन पाथ से या रिजेक्शन मार्ग से जो है बड़े पार्टिकल्स बाहर निकाल दिए जाते हैं। तो ये रिजेक्टेड फूड पार्टिकल्स, ये इंगेस्टेड फूड पार्टिकल, छोटे वाले इंगेस्ट कर लिए जाते हैं। अब ये फूड पार्टिकल मास के अनुसार जो है पैरामीशियम कैसा है आपका, सेलेक्टिव फीडर, मीन्स वो सेलेक्ट करता है फूड पार्टिकल्स को और उन्हीं को लेता है, उन्हीं छोटे छोटे कणों को किसमें भेजता है, साइटो स्टोम में भेजता है। अब साइटोस्टोम की पोजीशन भी देख लीजिए कहाँ पे है, मीन्स ये ओरल, ये आपका ओरल ग्रुप हो गया, ओरल ग्रुप से आपकी ये बकल कैविटी है, बकल कैविटी से यहाँ पे, बकल कैविटी किस में खुलती है, ये गोल सा माउथ होता है जिसे साइटोस्टोम कहते हैं। तो ये साइटोस्टोम के द्वारा ही फूड पार्टिकल्स ग्रहण कर लिए जाते हैं, और इसके वेंट्रल तल पे आधार पे क्या लगी हुई है, साइटोफेरिंग्स, साइटोफेरिंग्स के वेंट्रल तल पे सारे फूड पार्टिकल्स इकट्ठे होने शुरू हो जाते हैं। 5 मिनट में सारे फूड पार्टिकल्स इकट्ठे होके फिर साइटोफेरिंग्स यहाँ से सिकुड़ जाती है और ये फूड पार्टिकल्स कट जाते हैं, और ये एक एक फूड पार्टिकल इस तरह से कट कट के बनते जाते हैं और निकलते जाते हैं। तो ये इनका फूड आपकी वैक्यूल बन गई, तो फूड वैक्यूल बनते जाएंगे और ये निकलते जाएंगे। तो साइटोस्टोम द्वारा जो है वो फूड पार्टिकल्स को ग्रहण किए जाते हैं, और बड़े कण जो होते हैं वो रिजेक्ट कर दिए जाते हैं। इस प्रकार से पैरामीशियम क्या हो गया, कैसी फीडिंग जो है, कैसी पोषण विधि दिखाएंगे, सीलियरी फीडिंग या फिल्टर फीडिंग, मीन्स फेयर पैरामीशियम में क्या क्या कैसी कैसा न्यूट्रिशन होता है, सीलियरी फीडिंग टाइप का या फिल्टर फीडिंग टाइप का न्यूट्रिशन प्रदर्शित करते हैं। अब ओरल ग्रुप के जो सीलिया हैं वो क्या करते हैं, ओरल ग्रुप के सीलिया जो है इस बहुत तेजी से स्पंदन करते हैं, स्पंदन करना मूवमेंट करते हैं, बहुत तेजी से बीट करेंगे, मूवमेंट करेंगे, जिससे भोजन के कण जो है किसमें आ गए, बकल कैविटी में भेज दिए जाते हैं। और बकल कैविटी से किसमें भेज दिए जा रहे हैं आपके, साइटोस्टोम से साइटोफेरिंग्स में, साइटोस्टोम द्वारा वो ग्रहण कर लिए जाते हैं, और ग्रहण करके किसमें भेज दिया जाता है, साइटोफेरिंग्स में भेज दिया जाता है। साइटोफेरिंग्स जो है इनके वेंट्रल तल पे वो आधार पे, बेस पे क्या होते हैं, इकट्ठा होना, वेंट्रल तल पे क्या हो जाएंगे, इकट्ठा होना शुरू कर देते हैं, और साइटोफेरिंग्स जो है सिकुड़ती है, जिससे ये फूड वैक्यूल बन जाते हैं। तो फूड वैक्यूल में क्या हो गए आपके, फूड पार्टिकल्स हो गए, और क्या हो गया, पानी की एक पतली परत हो जाती है,
और ये फूड वैक्यूल जो है कट कट के अलग हो जाती है, साइटोफेरिंग से अलग हो जाएगी और इसके इंडोप्लाज्म में, वो इंडोप्लाज्म की गति के धीरे धीरे इंडोप्लाज्म में मूवमेंट होता है जिससे वो गति करती पूरे शरीर में जो है वो चक्कर लगाती रहती है। अब फूड जो पार्टिकल्स हैं या किस में आपके आ गए, फूड वैक्यूल में यानी खाद धानी में के अंदर आ गए। तो प्रत्येक फूड वैक्यूल या खाद धानी, फूड वैक्यूल को खाद धानी भी बोलते हैं, तो प्रत्येक प्रत्येक फूड वैक्यूल के अंदर क्या होता है, भोजन के कण होते हैं और पानी की एक पतली परत होती है। ये पैरामीशियम के इंडोप्लाज्म में गति के कारण जो है फूड वैक्यूल एक निश्चित मार्ग से होकर शरीर में चक्कर लगाती है। इस क्रिया को क्या बोलते हैं, साइक्लोसिस बोलते हैं। तो साइक्लोसिस भी अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है शॉर्ट नोट में कि साइक्लोसिस पे संक्षिप्त टिप्पणी लिखे, इस पे नोट्स लिखे। तो साइक्लोसिस क्या है, तो साइक्लोसिस क्या है, फूड वैक्यूल का फॉर्मेशन है और वो फूड वैक्यूल इंडोप्लाज्म के मूवमेंट, इंडोप्लाज्म की धीरे धीरे मंद गति होती है जिससे एक निश्चित मार्ग से वो गति करती रहती है। तो पहले फूड वैक्यूल किधर आएगी, ये इसका कौन सा सिरा है, ये पोस्टीरियर सिरा है यानी पिछले सिरे पे आएंगे, पिछले सिरे से अगले सिरे पे आएगी। तो साइक्लोसिस यहाँ पे देखिए इस फिगर में मैंने दिखाया है, ये फूड वैक्यूल बन गई। फूड वैक्यूल जो है पहले कहाँ आई, पिछले सिरे पे यानी पोस्टीरियर पे आई, पोस्टीरियर से धीरे धीरे मूवमेंट करके कहाँ पे गई, एंटीरियर पे गई, एंटीरियर सिरे की तरफ गई, एंटीरियर से ये माउथ मुखी भाग से यानी माउथ वाले पार्ट से होते हुए साइटोपाइजी से बाहर निकल जाती है। तो ये क्रिया क्या कहलाती है, साइक्लोसिस कहलाती है, मीन्स वो एक निश्चित पाथ पे मूवमेंट करती है इसमें, और मूवमेंट करते हुए धीरे धीरे इनके फूड वैक्यूल के अंदर जो फूड पार्टिकल्स हैं इनका क्या हो जाता है, डाइजेशन हो जाता है यानी पाचन हो जाता है और उन्हें डाइजेशन होने के बाद अवशोषण कर लिए जाते हैं। जो अनडाइजेस्ट पदार्थ हैं, अपचय पदार्थ हैं, वो साइटोपाइजी से बाहर निकाल दिए जाते हैं। तो फूड वैक्यूल जो है पहले कैसी होगी, आपकी बड़ी होगी और जैसे जैसे धीरे धीरे इनका डाइजेशन होता जाएगा वो छोटी हो जाएगी, डाइजेस्ट होता गया और छोटी हो गई, और छोटी हो के क्या हो जाएगी, वो जो अनडाइजेस्ट पदार्थ है, अपचय पदार्थ है, वो साइटोपाइजी से बाहर निकाल दिया जाएगा। तो ये क्रिया क्या हो गई आपकी, ये क्या हो गई, साइक्लोसिस। तो अक्सर शॉर्ट नोट पूछा जाता है कि साइक्लोसिस पे शॉर्ट नोट्स लिखिए। तो साइक्लोसिस में क्या होता है, फूड वैक्यूल एक निश्चित मास है यानी उनके पैरामीशियम के जो इंडोप्लाज्म है वो मूवमेंट करता है धीरे धीरे, उसके वजह से फूड वैक्यूल भी एक निश्चित मास से मूवमेंट यानी चक्कर लगाती है जिसे साइक्लोसिस बोलते हैं। अब इस फूड वैक्यूल पहले किधर की तरफ गई, आपकी पीछे की तरफ, पहले पीछे की तरफ जाएगी और उसके बाद आगे की ओर तथा मुखी भाग से होते हुए कहाँ पे, साइटोपाइजी से बाहर निकाल दी जाती है, साइटोपाइजी तक जाती है, वहां से वो अनडाइजेस्ट पदार्थ जो है वो बाहर निकाल दिया जाता है। इस यात्रा के दौरान यानी फूड वैक्यूल जो मूवमेंट कर रही है, मीन्स पोस्टीरियर से एंटीरियर साइड से जो मूवमेंट हो रहा है, उस यात्रा के दौरान क्या होता है, भोजन का पाचन तथा अवशोषण हो जाता है। अब ये भोजन का जो पाचन के बाद अवशोषण हो रहा है वो किस रूप में हो रहा है, आपके ग्लाइकोजन यानी वो पाचन पचने के बाद ग्लाइकोजन के रूप में या फैट बॉल, छोटी छोटी गोलिकाएं, आपके फैट जो हैं उनकी छोटी छोटी गोलिकाओं में ग्लोब्यूल्स के रूप में क्या होता है, इनके इंडोप्लाज्म में संचित कर लिया जाता है। अब ये जो फूड वैक्यूल होती है इनका पाचन होता कैसे है, तो कुछ एंजाइम चाहिए पचाने के लिए। तो फूड वैक्यूल के अंदर जो है लाइसोसोम द्वारा जो है लाइपेज है, कार्बोहाइड्रेट है, ये सब एंजाइम जो है उसमें सिक्रीट करे जाते हैं। तो फूड वैक्यूल के अंदर जो है वो लाइसोसोम द्वारा प्रोटीएज एंजाइम, कार्बोहाइड्रेट एंजाइम और लाइपेज एंजाइम जो है वो फूड वैक्यूल में स्रावित कर दिए जाते हैं, सिक्रेट कर दिए जाते हैं, जिससे भोजन का या जो फूड पार्टिकल्स हैं उनका क्या हो जाएगा, पाचन हो जाता है। तो ये सब एंजाइम है ये किस में डाल दिए जा रहे हैं, स्रावित किए जा रहे हैं, फूड वैक्यूल में स्रावित कर दिए जाते हैं। तो फूड वैक्यूल पहले कैसी होती है, पहले जो है अम्ली होगी और जब डाइजेस्ट हो जाता है फिर
कैसी हो जाएगी, आपकी क्षारी हो जाएगी। तो पहले अम्लीय होती है, बाद में कैसी हो जाती है, क्षारी हो जाती है। और पचा हुआ पदार्थ जो है वो किस रूप में संचित होता है, ग्लाइकोजन के रूप में या फैट ग्लोब्यूल्स यानी फैट की छोटी छोटी वसा की गोलियों के रूप में संचित हो जाता है। अपचय पदार्थ जो है यानी अनडाइजेस्ट पदार्थ है वो किसके द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है, साइटोपाइजी, तो साइटोपाइजी के द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। थैंक यू।